हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज दोस्तों हम एक जॉब की बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं, तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से संबंधित रिलेटेड अपडेट दी जाती है। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यह जो नोटिफिकेशन है इसकी ऑफिशियल साइट पर हम जाकर के डाउनलोड किए हैं, और जैसा कि आप थंबनेल में देख करके भी जान गए होंगे, यह जो वैकेंसी आई हुई है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में आई हुई है, और इसमें ऑल इंडिया के लोग एलिजिबल हैं, और यह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग जॉब है। बेहद महत्वपूर्ण जॉब है यह, और काफ़ी सारा पोस्ट भी है और बहुत सारे ट्रेड भी है। तो आइए इसकी थोड़ी सी हम महत्वपूर्ण पॉइंट को आपको बता देते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें 2 नंबर्स पर दिया हुआ है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए डेट ओपन हुआ है वो 25 जनवरी से शुरू हुआ है, और 8 फरवरी तक इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ज़्यादा दिन का आपको समय नहीं दिया गया, आप इस तारीख से पहले यानी कि 8 तारीख से पहले अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पोस्ट दिए हुए हैं और बहुत सारे ट्रेड भी हैं। आप देख सकते हैं ट्रेड की संख्या जो है 33 है, टोटल ट्रेड की संख्या टोटल 33 है, और 1500 पोस्ट भी हैं। अच्छी खासी इसमें दिया हुआ है, और विभिन्न ट्रेड्स पर यहाँ पर आई हुई है वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ट्रेड दिया हुआ है, जैसे कि 10 नंबर पर देखिए इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पर करंट वैकेंसी है और बैकलॉग वैकेंसी भी दिया हुआ है। तो आप आसानी से इसे देख करके अप्लाई कीजिएगा, और बेहद महत्वपूर्ण है, सभी पोस्ट को आप देख लीजिएगा कि किस में किस कैटेगरी में भी कितना है। सारी डिटेल्स यहाँ पर देख लेने के बाद थोड़ा सा नोटिफिकेशन को, और जिस आपकी जो ट्रेड है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है। इतना सारा ट्रेड है कि हम सभी को नहीं पढ़ सकते हैं और आपको बता सकते हैं, लेकिन आप खुद से इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन जो इसमें रिक्वायर्ड है, आपको जैसा कि थंबनेल देख करके भी जान गए होंगे कि यह अप्रेंटिसशिप वाले ही केवल अप्लाई कर सकते हैं जिनका अप्रेंटिसशिप फाइनल हो गया है। तो आपको अप्रेंटिसशिप फाइनल होने के बाद आप अपने ट्रेड के अनुसार देख लें कि कौन सा ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं, और सभी के लिए जो है अप्रेंटिसशिप मांगी गई है फाइनल, ठीक है, अपेयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, और बहुत सारा ट्रेड है और 2022 की सबसे बड़ी वैकेंसी यह है, ठीक है। तो ये इसकी जो हो गई क्वालिफिकेशन हो गई कि कौन सा लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर किस ट्रेड के लिए कौन कौन से एलिजिबल होंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स बताई गई है, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर कुछ डिजायर एक्सपीरियंस, अगर एक्सपीरियंस है तो आपको कुछ उसकी बेनिफिट मिलेगी, यहाँ पर जैसा आपका एक्सपीरियंस होगा सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात करें तो एज भी बहुत बढ़िया है, 18 से 38 ईयर तक, तो बेहद महत्वपूर्ण है, आप इसे अपने माध्यम से देख सकते हैं। बाकी जो आपका एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। तो यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है साथ में, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है, आपको फिर से परमानेंट के लिए बढ़ा दी जाएगी। तो आप परेशान मत होइएगा कि कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए हम इसमें नहीं भरेंगे, ठीक है। जब नोटिफिकेशन को थोड़ा सा और स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताया गया है, आप इसे देख सकते हैं कि आपका रिटेन एग्ज़ाम होगा। रिटेन एग्ज़ाम होने के बाद जो है डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट विल बी डन एट द टाइम ऑफ ट्रेड टेस्ट, तो ये सारी डिटेल्स दी हुई है, आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। यहाँ सारी डिटेल्स दी हुई है कि कैसे कैसे
आपका कौन कौन से कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होंगे, तो और किस बेसिस पर कितना वेटेज मिलेगा, सारी डिटेल्स दी हुई है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें एक्सपीरियंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छा जॉब है, आप इसे अपने मौका हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। तो ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी था। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।